बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। तो पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन के तमाम स्टूडेंट्स इस वक्त बार बार पूछ रहे हैं स्पेशल एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट के हवाले से। दूसरा जो स्कॉलरशिप अनाउंस किया गया है पीफ की तरफ से पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, उसका फॉर्म जो है वो डाउनलोड कैसे करना है, इंशाल्लाह वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको फॉर्म जो है वो किस तरह आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं क्या वो इस पीफ स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ये सारी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वक्त शेयर करूंगा। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट्स है स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से पूछ रहे हैं बार बार, तो स्पेशल एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 10 मार्च के बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा स्पेशल एग्ज़ाम्स का, लेकिन आपको पता है कि कोरोना की जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से टैबटा के और दूसरे जो तमाम अदारे हैं उनको बंद कर दिया गया है, इसी वजह से आपका रिज़ल्ट भी लेट हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि आज हफ्ता है, कल इतवार भी छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, तो सोमवार वाले दिन इंशाल्लाह दोबारा मैं रब्ता करने की कोशिश करूँगा। अगर मेरा रब्ता हो गया तो जो भी अपडेट हुआ रिज़ल्ट के हवाले से या इसके अलावा, तो इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरा जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम्स वाले अगर रिज़ल्ट आ जाता है तो वो इस पीफ स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो स्टूडेंट्स आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो स्टूडेंट सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं जो आगे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपका तो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद आपने आगे एडमिशन लेना है, तो एडमिशन आप जब लेंगे तो उस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि इस फॉर्म को हमने डाउनलोड कैसे करना है, जो पीफ का स्कॉलरशिप है जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो पंजाब बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट आपके सामने है, यहाँ पर इसको आप ओपन करेंगे तो बिल्कुल फ्रंट पेज पे जो तमाम नोटिफिकेशन है यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन पीफ स्कॉलरशिप के हवाले से है, तो आपने इस पर टैप करना है। तो यहाँ पर जी मैं इसको टैप कर देता हूँ, जो ही मैंने इसको टैप किया है तो टैप करता जाऊँगा तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है पीफ स्कॉलरशिप पॉलिसी 2020-2021, उसके बाद दूसरे नंबर पे है पीफ स्कॉलरशिप फॉर्म, तो यहाँ पर आपने इसको टैप करना है। जो ही आप टैप करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह जी आप बड़े ईजी तरीके से अपना जो पीफ का स्कॉलरशिप है उसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, तो इस तरह डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को प्रिंट निकलवा के अपना जो स्कॉलरशिप है वो अप्लाई कर सकते हैं। करता हूँ इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह इसके अलावा जो भी अपडेट हुआ स्टूडेंट्स वो आपके साथ शेयर करूंगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।